आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत के लिए सामा के चावल की खीर। सामा को समा के चावल भी बोलते हैं। ये बार्नयार्ड मिलेट होता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है और ये खाने के बाद भूख भी कम लगती है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने समा के राइस ले लिए हैं, यानी कि बार्नयार्ड मिलेट 2 टेबल स्पून। इसको मैंने अच्छे से धो के और उसके बाद इसको 20 मिनट तक पानी में भिगो के रख दिया था, जिससे कि इसका कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है, जल्दी पक जाते हैं। और ये देखिए, ये भीग गए हैं, फूले फूले से थोड़ा हो गए हैं। तो अब इसका पानी हम निकाल के रख लेते हैं। गैस पर मैंने 1.25 लीटर दूध चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए। दूध बॉयल हो गया है और ये पहले से पका हुआ दूध था, मैंने वापस से इसको बॉयल किया है। और ये हम थोड़ा सा पका लेंगे 5-10 मिनट, जिससे थोड़ा और गाढ़ा हो जाए और क्रीम वाला दूध ही खीर के लिए यूज़ करें। और ये देखिए, मैंने इसको 5-10 मिनट पका लिया है और चलाते हुए पकाएं। और किनारे से जो चिपक जाती है मलाई, वो आप स्क्रैप करते रहें, इससे खीर हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अब यहाँ पर मैंने समक के चावल ले लिए हैं, तो ये 2 टेबल स्पून थे और इसको हम इसमें डाल देंगे। दूध चलाते रहें जिससे कि नीचे जो हमने समा के राइस डाले हैं वो चिपके नहीं। तो स्टार्टिंग में थोड़ी देर चला लें। और अभी हम डालेंगे इसमें केसर वाला दूध। तो थोड़े से दूध में मैंने कुछ धागे केसर के भिगो दिए थे पहले से ही, और वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसकी वजह से कलर, स्वाद, खुशबू सब खीर की बढ़ जाएगी, बहुत ही टेस्टी खीर बन के आएगी। इलायची का पाउडर डाल देते हैं, या फिर क्रश की भी इलायची। मैंने यहाँ पर क्रश की थी 4 इलायची लेकर, आपके पास पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। इलायची से नो डाउट खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। खीर को चलाते हुए पकाते रहेंगे जब तक कि समक के राइस अच्छे से पक नहीं जाते और दूध थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, राइस तो मुझे लग रहा है पक गए हैं और दूध भी थोड़ा गाढ़ा हुआ है, पर अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है। समक के राइस को आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं हाथ से, तो आपको समझ में आ जाएगा ये पक गए हैं कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कच्चे रह जाएंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और ये अच्छे से पक गए हैं और अभी हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी हमें बाद में ही डालना है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप चीनी ली है, आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद वापस से थोड़ा सा पतला होता है, इसको हमें 5 से 7 मिनट और पका लेना है और ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। क्योंकि जब हम इसको थोड़ी देर रखेंगे, ठंडा करेंगे, तो उसके बाद भी खीर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए एकदम गाढ़ी करके ना रखें। अभी तक हमने खीर में कोई भी नट्स या ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में घी गरम कर लिया है और ये कुछ ड्राई नट्स या ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, काजू और पिस्ता ले लिया है। अपने मन के हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे कि हल्का सा इसमें क्रंच आ जाए और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो ये हल्के हल्के से सौते हो गए हैं, देखिए हल्का सा कलर भी काजू का चेंज हो रहा है। तो बस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये हम ड्राई फ्रूट्स अपनी खीर में डाल देंगे। ये प्रोसेस करेंगे ना तो खीर का टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। और अभी हम खीर को ठंडा करने के लिए रखेंगे, मिक्स कर लेते हैं और खीर को ठंडा करेंगे। अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, मैं बाहर ही ठंडा कर रही हूँ। तो अभी ये देखिए, हल्की हल्की सी एक लेयर ऊपर आ गई है, अभी कम्प्लीटली ये ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा गर्म है। पूरी तरह ठंडा करेंगे तो और भी थिक हो जाएगी, फ्रिज में रखेंगे तो फिर और अच्छा इसका टेक्सचर हो जाएगा। पर अभी मैंने इसको बाहर ही रखा है और पूरी तरह ठंडा भी नहीं है। तो खीर तो हमारी लगभग रेडी है, तो इसको हम सर्व कर लेते हैं। आप भी बनाइए व्रत के लिए सामा के चावल की खीर। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिला करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।